सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा हर जीवों में साई बसा है हर जीवों में साई बसा है कोई न लागे दूजा तू है मेरी जिंदगी मरते दम तक ना छोड़ेंगे मरते दम तक ना छोड़ेंगे बाबा तेरी बंदगी तू है मेरी जिंदगी। ओम साई राम। नमस्कार, मैं हूँ साई पूजा। साई पूजा चैनल पर आप सभी भक्तों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन और बाबा का ढेर सारा प्यार। तो आज एक भक्त का अनुभव सुनने जा रहे हैं हम, और आप भी हमें बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, क्योंकि बाबा जब ज़िंदगी देते हैं तो ऐसी देते हैं कि ज़िंदगी में इतना सुकून और इतना मतलब इतना खालीपन जो लाइफ का होता है ये बाबा ऐसे दूर करते हैं। ऐसे एक आस के साथ हम जुड़े रहते हैं, बाबा हैं, बाबा करेंगे, बाबा देखेंगे। और जैसे बाबा का हर एक भक्त के साथ अनुभव हैं, तो आज मेरे साथ भक्त जुड़ रही हैं, उनका नाम जानते हैं, उनके जो बाबा ने उनके साथ अपने आप को कब से जोड़ा है, क्या क्या मेरिकल्स किए हैं। चलो चलते हैं, सुनते हैं उनके ज़ुबानी। ओम साई राम। साई राम, साई राम, आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम संगीता झा है, मैं अम्बाला से आई हूँ। लास्ट ईयर मैं पहली बार शिरडी आई थी, अब हर साल आऊँगी। ये बाबा से ऐसा वादा किया है, और मेरे को मालूम है बाबा कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत। बाबा को जो यहाँ चलता है ना, यहाँ जब मैं आई, जब से मैंने बाबा को जाना, यहाँ जो चलता है ना, पता नहीं कैसे जान जाते हैं, मुझे नहीं मालूम वो कैसे जान जाते हैं। इस तरीके से जानते हैं जैसे छोटा बच्चा, जो माँ होती है ना, माँ छोटे बच्चे को कुछ नहीं बताने की ज़रूरत, माँ सब जानती है। उसको क्या खाने के लिए देना है, उस मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी, मेरा बच्चा बीमार है, कड़वी औषधि तक देती है उसको ठीक करने के लिए। बाबा बिल्कुल माँ है, साई माँ, जिन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे ये चीज़ नहीं, आप यहाँ सोचो, माँ अपने आप जान जाती है। तो ये आप जो बाबा का जो आपका कनेक्शन बाबा से कौन से सन में हुआ, कितने वर्ष हो गए बाबा को? मैं तो क्या जुड़ूंगी बाबा से, बाबा ने ही जोड़ लिया। और ये मेरा मानना है कि जब भी बाबा ने किसी को भी अपनी ज़िंदगी में लाना है ना, उसका माध्यम हमेशा बाबा का एक भक्त रहता है। मैं 2017 में अम्बाला आई थी, मेरे हस्बैंड की प्रोजेक्ट की वजह से ट्रांसफ़र होती रहती है, एक डेढ़ साल कहीं प्रोजेक्ट ख़त्म, फिर डेढ़ साल कहीं प्रोजेक्ट ख़त्म। ये जर्नी हमारी 2003 में मेरी शादी हुई, 2004 से ये शुरू होगी जर्नी। मेरे मंदिर में बाबा की एक छोटी सी मूर्ति होती थी, मैंने कभी बाबा की पूजा नहीं की। मेरे को ये पता था ये साईं जी हैं, शिरडी में रहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी आराधना नहीं की। जैसे जोत में गणपति जी के लिए जलाती थी, वैसे ही जोत में बाबा के लिए, एक जोत सब, जैसे सब भगवान एक है, ऐसे चलता रहा। मैंने कभी उनको, आज जो काकड़ आरती, मध्यान्ह आरती, धूप आरती, सेज आरती, सब कुछ, वो कुछ भी नहीं करती थी मैं। 2017 में मैं शिरडी, ये अपने अम्बाला आई, नया शहर था, नहीं जानती थी, रेंट पे हम रहते थे। 2018 में मेरा बच्चा 9th में आ रहा था, तो मेरे मन में एक अंदर से एक उठी कि नहीं, अब मैं मूवमेंट नहीं कर सकती, मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, बार बार नहीं जा सकती, बच्चे ने मेरे 10th करनी है, मेरी बेटी उससे 2 साल छोटी है, फिर 12th आ जाएगी उसकी भी, कैसे करेंगे? मैं नहीं जानती क्या सोच के बैठे हैं वो मेरी ज़िंदगी में। 2017 में मैं अम्बाला आई। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो कुछ भी, जो कोई मुझे देख रहे हैं, मैं शिरडी में बैठी हूँ चावड़ी के सामने। 2018 में हमारे ठीक सामने वाले फ्लैट में भैया भाभी आते हैं, उनको मैं नहीं जान रही हूँ,
बस उनकी इंटरेक्शन हुई है, हाय हेलो हुई है और उन्होंने मुझे अपने घर इनवाइट किया है। मैं उनके घर में जैसे ही गई हूँ पहले दिन, वहाँ पर मैंने बाबा का इतना बड़ी उनकी तस्वीर उनके टेंपल में देखी, मैं बाबा को देखती रह गई। आप समझ नहीं पाओगे मैंने बाबा को जिस तरीके से देखा, मैं देखती रह गई और उस टाइम मेरे गूज बम्स ऐसे हो गए, मैं नहीं जानती बाबा ने उस दिन से लेके आज तक क्या सोचा हुआ था। फिर जो उनका नाम सिम्मी, जिन्होंने मुझे बाबा के बारे में, तो सिम्मी नाम के जो आए भाभी, उनके घर में जैसे ही उन्होंने मुझे इनवाइट किया तो मैं एक दिन उनके पास चली गई। जब देखा उनके घर में, एंटर करते ही उनके टेंपल में इतनी सुंदर बाबा की समाधि मंदिर की, इतना प्यारा स्वरूप, मैं देखती तो मतलब मैं देखती रह गई और मुझे, मैं एकदम ठंडी पड़ गई। मैं, मुझे नहीं पता, मेरे इतने गूज बम्स आ गए और मैं बाबा को बोली, मैं एकदम से बोली बाबा, और फिर भाभी की तरफ चेहरा कर कर बोली, आप बाबा के डिवोटी हो? भाभी ने कहा हाँ, आ जा। अंदर बुलाया बाबा की, मुझे इतनी सारी बातें करी। वो दिन शायद बाबा ने ही मुझे चुनना था कि उन्होंने अपना भक्त भेजा, भक्त के घर में मुझे बुलाया, अपने दर्शन करवाए। ये कनेक्शन जो है ना ईश्वर के साथ का, ये मेरे बाबा के साथ का आज का नहीं है। ये शायद पता नहीं मैं कोई कीड़ी, मक्खी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर कुछ तो बनी होंगी और बाबा ने मुझे अपने पास रखा होगा। हम नहीं जानते पिछले जन्म में हम कहाँ थे, क्या मैं कहाँ थी, क्या मैं उनके, मतलब कुछ नहीं जात, कुछ पता नहीं। आज वो अपने साथ और आगे जब तक मेरे तन में प्राण है ना, बाबा नहीं छोड़ने वाले। और अब ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। तो फिर मुझे आपका जो ट्रांसफ़र था, तो वो जो मिले भाई, मेरा बाबा ने घर बना दिया 2019 में। वो भी हमारा ऐसे ही हुआ, मैं कोई आरती नहीं करती थी। 2019 की स्टार्टिंग में भाभी हमारे घर आए और भाभी ने पता नहीं ये बोला, तू चिंता मत कर, मेरा निकनेम गीतू है, गीतू तू देखना तेरा ना यहीं घर बन जाएगा। उस दिन थर्सडे था, बाबा की डिवोटी और बाबा, मैं नहीं जानती थी पर बाबा के थ्रू शायद बाबा ने बुलवाया कि तेरा घर बन जाएगा। और 2019 में जून 22 को मैं अपने खुद के फ्लैट में थी। मुझे बिलीव नहीं होता ये सब कुछ खाली डेढ़ महीने में हुआ। मेरे हस्बैंड को ट्रांसफ़र हुआ, उनको नई जॉब की ऑफ़र आई, मेरे हस्बैंड ने कहा गीतू मुझे जाना होगा। मैंने कहा आप तो जा रहे हो पर मुझे घर, तो घर का क्या करेंगे, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ जो लैंड लॉर्ड है, अगर वो, उन्होंने भैया ने बोल दिया, क्योंकि उन लोगों की दोनों हस्बैंड वाइफ की वो गवर्नमेंट जॉब थी, वो कभी भी आ सकते थे। तो मैंने कहा उन्होंने अगर बोल दिया कि हमारे, हम कहाँ जाएंगे। ये हमारे आपस में हस्बैंड वाइफ में बहुत सारी गॉसिप होती थी, बाबा सुन रहे थे शायद, बाबा क्या सोच के बैठे थे नहीं मालूम। उसके बाद 15 दिन के बाद, मई की बात बता रही हूँ, मई 15 तारीख 16 या 17 तारीख को मेरे हस्बैंड सिम्मी भाभी के हस्बैंड के साथ वॉक पे गए। उन्होंने ऐसे ही उनके हस्बैंड से पूछा, अरे मैं क्या करूँ भैया, क्या हम फ्लैट का सोच सकते हैं? तो भैया के मुंह से क्या निकलता है, अभी चल डीलर से बात करते हैं। डीलर के पास गए, जिस फ्लैट के बारे में हम बात कर रहे थे उसी फ्लैट को उन्होंने कहा ये तो सेल पे है। हमारी ये बात 10 दिन के अंदर डन हो गई, यस हो गई और फ्लैट की हमारी आधी किस्त चलेगी, बाकी हमने लोन से चुकता कर दी। 22 जून को हम उस घर में थे क्योंकि 1 जुलाई को मेरे हस्बैंड ने दिल्ली NCR ज्वाइन करना था। क्या बात है, सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो जो अभी मैं आपसे, बाबा ने इनको घर दिलाया और बाबा इनसे 2017 में इनसे जुड़े हैं और आज इनके अपने घर में, तो ये जो लोगों को मैसेज है, क्या देना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगी, बाबा की साईं से चरित्र जादू है, जादू। ये मैं आपको ये तो नहीं बता सकती क्योंकि मेरी कुछ अपनी पर्सनल ऐसी चीज़ें हैं, मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट मैं इतना ज़रूर बताऊँगी, बाबा साक्षात हैं, वो कोई किताब नहीं है, वो कोई इंसान ये ना समझे वो कोई बुक है। मैं आपको इतना बताती हूँ, साक्षात वो बाबा है। और अगर वो साईं सच्चरित्र आप डेली एक अध्याय भी पढ़ते हैं, आराम से पढ़िए, शांति से पढ़िए, आपका आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी क्या मतलब, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मांगोगे और बाबा पूरी ना करें, हाँ जायज़ होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आप गीतू जी का एक्सपीरियंस सुन रहे थे, कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। बाबा ने तो उनकी ज़िंदगी में बाहर ले आए और आज वो शिरडी में है। तो इसी प्रकार जिनके पास भी एक्सपीरियंस है 9918073846 पर बताते रहें। ओम साई राम, जय साई राम।
Please do like, share and subscribe to our channel. And don't forget to hit the bell icon. Thank you.